गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम ओलंपिक्स के से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करेंगे कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर हमने देखी हैं। एंशिएंट ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी, इंडिया में कौन कौन से प्लेयर ने मेडल जीता है और भी बहुत कुछ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस बार जो ओलंपिक्स हुए हैं वो हुए थे टोक्यो में, होने तो ये 2020 में थे बट ड्यू टू कोविड ये 2020 में हो नहीं पाए, तो ये 2021 में हुए हैं। 23 जुलाई को शुरू हुए थे और 8 अगस्त को ये खत्म हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये जो फ्लैग लगा हुआ है, ये जो सिंबल है, इसमें 5 रिंग्स हमें ओलंपिक्स की दिखाई दे रही है। इसमें हर एक रिंग एक कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है, जिसमें जो ये ब्लू वाली है यूरोप को करती है, ये एशिया, जिसमें ब्लैक अफ्रीका को करती है, और ग्रीन जो है ओशियाना को करती है, और ये रेड अमेरिका को। यहाँ पर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका हम देखते हैं, इन दोनों को एक ही कॉन्टिनेंट कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो टोटल 5 रिंग होती है। अब अपनी हर एक रिंग का एक अपना कलर है, हर एक कॉन्टिनेंट का अपना एक कलर है, जैसे ब्लू फॉर यूरोप, येलो फॉर एशिया। तो ये मत भूलना कि कलर भी कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है। ठीक है, फिर इस बार ये मैस्कॉट रहा था 2020 समर ओलंपिक्स का। देखो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दो गेम्स होते हैं, 2020 में जो ये हुए हैं ये है समर ओलंपिक्स। ठीक है, फिर 2022 में होंगे विंटर ओलंपिक्स, और ये विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट कराएगा बीजिंग यानी चाइना। ये होंगे चाइना में, ये इस बार हुए हैं जापान में। इससे पहले समर ओलंपिक हुए थे 2016 में, जो कि हुए थे ब्राजील के अंदर रियो। ठीक, 2018 में हुए थे विंटर ओलंपिक, जो कि हुए थे साउथ कोरिया के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, तो यानी दो समर ओलंपिक में जो गैप होता है वो 4 ईयर का होता है, और दो विंटर ओलंपिक्स में जो गैप होगा वो 4 ईयर का होगा, बट समर और विंटर ओलंपिक्स में जो गैप होगा वो होगा 2 ईयर का। ठीक है, तो याद रखना जो 2016 समर ओलंपिक हुए थे वो हुए थे रियो में ब्राजील, 2020 समर ओलंपिक्स जापान में टोक्यो, 2018 साउथ कोरिया विंटर ओलंपिक्स, 2022 चाइना में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स। तो 2024 में अब विंटर समर ओलंपिक्स होंगे, जो कि होंगे पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस में होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस बार का जो मैस्कॉट था वो मैस्कॉट था, इसका नेम है माइट होगा, पॉसिबिलिटी है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है क्योंकि जापानीज नेम है। इसका मतलब होता है, इसके दो पार्ट है, जैसे ये, तो इसका मीन्स होता है एटर्निटी और इसका मीन्स होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर एटर्निटी का पूरा नेम, मतलब एक तरीके से जो मीनिंग है वो है फ्यूचर एटर्निटी। तो याद रखना मैस्कॉट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एग्जाम, फॉर एफकेट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या काम है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड बेस्ड। ठीक है ना, इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, और इस समय जो इसके हेड है वो है थॉमस बैच। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम है जो रूल्स डिसाइड होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनती हैं, गेम्स से रिलेटेड कौन सा गेम इंक्लूड होगा, किस गेम्स में क्या रूल और रेगुलेशन रहेंगे, कहाँ उसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहाँ पर हम इसको ऑर्गेनाइज करें, लोकेशन क्या होगी, ये सब चीजें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है। तो याद रखना कि जो 2020 टोक्यो ओलंपिक था ये भी इसी ने डिसाइड किया होगा, इसका मोटो भी इसका, ये सब चीजें। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे, देखो ओलंपिक्स भी दो टाइप के हुए हैं, एक तो मॉडर्न और एक हुए एंशिएंट। तो मॉडर्न ओलंपिक जो सबसे पहली बार हुए थे वो हुए थे 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर। कब हुए थे? 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर। इसको इसकी ऑफिशियल ओपनिंग करी थी किंग जॉर्ज वन ने। टोटल 14 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, और जो फर्स्ट चैंपियन रहे थे वो रहे थे अमेरिका के जेम्स। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो यूएसए ने जीते थे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल यूएसए ने जीते थे, बट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल तो यूएसए ने जीते थे, बट सबसे ज्यादा मेडल जीते थे ग्रीस ने, 47 मेडल। ठीक है,
गोल्ड मेडल तो यूएसए ने जीते थे, बट टोटल अगर हम ओवरऑल मेडल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेडल जीते थे वो ग्रीस ने जीते थे। तो यहाँ पर जो है कितने 43 इवेंट हुए थे, 241 प्लेयर्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, और हुए कहाँ थे, एथेंस के अंदर ग्रीस। ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग की थी किसने, किंग जॉर्ज वन ने, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इस बार की जो ओपनिंग हुई थी वो थी 23 जुलाई को, जिसमें फ्लैग बियर थे इंडिया की तरफ से दो लोग, ये याद रखना, फ्लैग बियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपीएससी जैसे एग्जाम इसको पूछ लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, थे मैरी कॉम और इसके साथ थे मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियर थे वो थे बजरंग पूनिया, कौन, बजरंग पूनिया इंडियन रेसलर है, ब्रॉन्ज मेडल इस बार उन्होंने जीता था, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैस्कॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, क्या मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक्स 2021 में हुए, बट इसकी जो हमने देखा पूरे ओलंपिक्स में, अगर तुमने मैचेस देखे होंगे तो वहां पे ब्रांडिंग टोक्यो 2020 ही थी, रीजन कुछ मार्केटिंग और उनके ब्रांडिंग का रहा होगा, तो ये याद रखना 2020 लिखा हुआ था, 2021 नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो नंबर वन पे रहा यूएसए 39 गोल्ड मेडल के साथ, और ओवरऑल सबसे ज्यादा मेडल भी 113 मेडल यूएसए ने जीते। चाइना ने 38 गोल्ड मेडल, और ये फर्स्ट लास्ट डे में, मतलब जिस दिन लास्ट इवेंट से, उन लास्ट इवेंट्स में चाइना हारा है, नहीं तो ये गोल्ड मेडल में यूएसए से आगे चल रहा था। थर्ड नंबर पे जापान रहा, फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन, और इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग रही 48, ठीक है। इंडिया ने एक गोल्ड मेडल, दो सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, टोटल 7 मेडल हमने जीते थे। एक जो गोल्ड मेडल हमें जैवलिन में लास्ट डे जो मिला 7th ऑफ अगस्त को मिला, वो नीरज चोपड़ा लेकर आए, ठीक है। अगर हम एंशियंट ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक कंडक्ट हुए थे 776 बीसी के अंदर, ठीक है। और जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके पांच कलर पांच अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, जो कि मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था। इसके बाद ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट फ्लोन ड्यूरिंग द 1920 ओलंपिक गेम्स, जो सबसे पहली बार ओलंपिक का फ्लैग आया था, फ्लोन हुआ था, वो हुआ था बेल्जियम ओलंपिक्स 1920 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी जो कि हम देख रहे थे कि अभी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, तो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 1908 में लंदन ओलंपिक्स के अंदर। द कंट्री विच वॉन द मोस्ट मेडल्स, मोस्ट मेडल की बात कर रहा है, गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा है, मेडल की बात कर रहा है, as at the first Olympic summer games in 1896 was the Greece. The Olympic flame made its first appearance, मतलब जब पहली बार हमने देखा ना मशाल लेके ओलंपिक्स में मशाल जाती है, तो पहली बार जो भी मशाल वाला जो फ्लेम थी ये आई थी 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में, ठीक है। और टोक्यो एशिया की पहली सिटी बन गया है, पहली जगह बन चुका है जिसने दो बार ओलंपिक्स को कंडक्ट किया है, समर ओलंपिक्स को कंडक्ट किया है, जिसमें सबसे पहली बार किया था 1964 में, और अब किया है 2020 या फिर 2021 कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार 1964, नाउ 2020 टोक्यो। तो इंडिया की तरफ से विनर रहे हैं, ये नेम्स हैं जो इंडिया की तरफ से 7 विनर रहे थे, नीरज चोपड़ा फॉर द गोल्ड 87.58 मीटर का इन्होंने जैवलिन फेंका था, भाला फेंका था, सुपर मैच था। मीराबाई चानू द फर्स्ट इंडिया की तरफ से पहले टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की शुरुआत इन्होंने करी थी। फिर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है, और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक के अंदर, ठीक है, सिल्वर जीता था। पीवी सिंधु से पहले भी एक प्लेयर है, इंडिविजुअल प्लेयर, जिसने दो मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं, वो है सुशील कुमार, रेसलर है, ठीक है। इन्होंने 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में मेडल जीते थे, 2008 में जीता था ब्रॉन्ज, 2012 में जीता था सिल्वर मेडल। फिर मैन हॉकी टीम्स मनप्रीत सिंह जिसके कैप्टन थे और ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भी थे मैरी कॉम के साथ, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया ने अब तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी के अंदर। रवि दहिया रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर जीता, बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है।
नेक्स्ट इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक वो वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। इसमें ओलंपिक से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे सारे। इसमें भी मैंने पर कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि हमें कुछ फैक्ट्स और पता चल सके। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, तो है भवानी देवी। इस भवानी देवी के मैचेस देखे थे मैंने, इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे जो लगी, जो उन्होंने अपने फेस को कवर करने के लिए मास्क पहना हुआ था, उसपे इंडिया का हमारा तिरंगा बना हुआ था, वो काफी अट्रैक्टिंग था। हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये है अदिति अशोक। फोर्थ पोजीशन पे अदिति अशोक ने मतलब ओलंपिक खत्म हुए थे, फोर्थ पोजीशन थी इनकी उस समय पर, बस फर्स्ट ओलंपिक था, स्टिल इंडिया की तरफ से फर्स्ट फीमेल गोल्फर भी हैं। तो होपफुली जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होंगे उसमें कुछ बेटर हमें इनसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, हु इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 20 किलोमीटर वॉक एंड ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये है प्रियंका गोस्वामी। ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 20 किलोमीटर वॉक में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रियंका गोस्वामी का नाम याद रखना। हु इज द ओनली जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडियन टोक्यो ओलंपिक्स, तो वो है परिणीति नायक। ठीक है, 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स थे इसमें परिणीति नायक ओनली जिमनास्ट थी इंडिया की तरफ से, और 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कामरकर थी जो कि जिमनास्ट थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन एन ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी, तो अभी मैंने बताया था तुमको 8 टाइम्स इंडिया हॉकी में गोल्ड जीता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, यहाँ पर इंडिविजुअल मेडल की बात हो रही है, तो आंसर होगा सुशील कुमार नॉट पीवी सिंधु। सबसे पहले अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो पीवी सिंधु ऑब्वियसली बैडमिंटन की सुपरस्टार है। सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते थे, कब कब, 2008 और 2012। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। Which of the following sports is making debut at the Tokyo Olympics? It is karate. Karate इस बार debut किया है karate ने, जो कि belong करता है जापान से। ठीक है, तो इस बार debut था इसका। ये कुछ लोगों लगाए हैं मैंने, बीजिंग ओलंपिक का लगाया है, रियो ओलंपिक का लगाया है, पेरिस ओलंपिक का लगाया है, और 2018 जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे साउथ कोरिया के अंदर उसका लोगो लगाया है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए आज का होमवर्क क्या है, एक तो तुम्हें साउथ कोरिया की कैपिटल मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में, सेकंड चीज तुम्हें मैस्कॉट बताना है 2016 का, 2018 ओलंपिक्स का कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दिस इज फॉर द ओलंपिक वीडियो, होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी फॉर योर एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।